ओह मिस्टर कैरम, आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं बस तुम्हें चाहता हूँ एपेक, लेकिन बात वो नहीं है। मैं डॉक्टर के पास गया था, बहुत बुरी खबर है। क्यों, क्या हुआ? तबीयत खराब है? हालत बहुत ही खराब है। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, बताओ क्या कहा डॉक्टर ने? उन्होंने कहा मेरा दिल एक बहुत ही गुस्से वाली पर एक प्यारी लड़की ने तोड़ दिया है। मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर सकती हूँ, ये तो कुछ भी नहीं। लेकिन क्यों? मैं ये सब इसलिए कहता हूँ ताकि कुछ वक्त मजे से कटे। इपेक, क्या मैं तुमसे कुछ पूछूं? पूछो। तुम मुझ पर इतना गुस्सा क्यों होती हो? क्या तुम्हें अब तक नहीं पता चला तुम्हारे दोस्त ने क्या किया है? अरे बस करो, ये मुराद और हयात की आपस की बात है। हम उनके स्टोरी के हीरो नहीं हैं, और किसी तीसरे को पता नहीं चल सकता कि उनके बीच क्या हुआ है। और सवाल वो नहीं है पैक, सवाल ये है कि तुम मुझ पर क्यों भड़कती हो? मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता। तुम जैसे ही प्यार जताने लगते हो मुझे एकदम गुस्सा आने लगता है और तुम्हें मारने का मन करता है। मेरे डैड को देखो और वहां मुराद को, मर्द ऐसे होते हैं, सिर्फ दर्द ही देते हैं। लेकिन तुम मुझे कभी उन मर्दों जैसे नहीं लगे जो मुझे परेशान करते हैं। हर मर्द एक जैसा नहीं होता। देखते हैं। क्या इसमें जरा सी भी चीनी है? तुम जाकर चीनी लेकर आ सकते हो। अरे डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए चीनी उगाने के लिए भी तैयार हूं, अभी लेकर आता हूं। ओह माय डियर, काश तुम और मैं एक साथ रोड पर हवा से बातें कर पाते। पासिंग कार्स के साथ हटके हैं। तुम्हारे बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अब तो बस स्टॉप पे टपोरी भी परेशान करने लगे हैं। कंट्रोल पे कंट्रोल, कंट्रोल गया भाड़ में। ये क्या तत्तत्तत्तत्तत्त लगा रखा है? हॉर्न निकाल कर तुम्हारे मुंह में फिट कर दूंगी, समझे तो? अब तो मुझे तुम्हारे गुस्से से भी प्यार है। ये रहा तुम्हारा पर्सनल ड्राइवर मैम, आओ आओ बैठो। तुम क्यों मुझे गुस्सा दिलाते रहते हो? फिर कहोगे इपेक तुम गुस्सा क्यों होती हो? तुम्हारे इसी पागलपन से मुझे प्यार है जान। तुमने मेरा सिर फोड़ ही दिया था, लेकिन तुमने दूसरा टेस्ट भी पास कर लिया है, ठीक है? टेस्ट तो तुम हो कैरम, मैं अपने गुस्से पे कितना कंट्रोल कर सकती हूँ ये देखने के लिए तुम्हें भेजा गया है। तुम हो मेरा सबक। अगर तुम कार में नहीं बैठोगी तो मैं अपनी पीठ पर उठा के लेके जाऊंगा। मैं तुम्हारा पर्सनल ड्राइवर जो हूँ जान, मैं यहाँ आया हूँ ताकि तुम कहीं भी बिना कार के ना जाओ। चलो अब टाइम बर्बाद मत करो, मुझे बॉस को भी लेने जाना है। चलो जल्दी आ जाओ। सबको बस अपनी पड़ी है, जिसे देखो मुझे नचा रहा है। कभी ये करो कभी वो करो। इपेक यार, कैरम क्या है ये? कंट्रोल इपेक। मैंने तुम जैसी लड़की पर भरोसा नहीं किया, कई सारे बुरे ख्याल मेरे दिमाग में एक साथ घूमने लगे थे। मुझे माफ कर दो, तुम्हें पता है मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा हूँ। ये मेरी पनिशमेंट है तुम पर शक करने के लिए, प्लीज ये ले लो। मैंने तुम पर शक किया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं खुद को सजा देने वाला हूँ।
इसलिए मैं ये करने जा रहा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो इपेक। ये क्या बेवकूफी है? पानी बहुत ठंडा है। तुमने ठंडा पानी क्यों खरीदा? गर्म होने से कुछ फर्क पड़ता? तुम सच में पागल हो। बचा हुआ भी डाल दो, डालो। तुम्हें हंसाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम एक पागल इंसान हो, बेवकूफ, रोमांटिक और बदतमीज भी हो। मैं अपने लाइफ पार्टनर में जो चीजें चाहती थी शायद वो सारी तुम में है। लेकिन ज्यादा खुश मत होना और हवा में मत उड़ना। क्या सच में तुम ऐसा सोचती हो? जिंदगी में मैंने इतना प्यारा इंसल्ट कभी नहीं सुना है पैक। तुमने अभी जो किया मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। ये एक बेकार की कोशिश थी, लेकिन खुद पर पानी डालकर होश में आना काबिले तारीफ है। चलो इस बार तुम्हें माफ कर दिया मैंने। तो मैं तुम्हारे गाल पर किस कर सकता हूँ? सिर्फ एक किस, दो ना। सिर्फ एक ही हाँ, इन फूलों के लिए, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, नहीं तो मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। पानी नहीं लगाना चाहिए था। तुम पूरी तरह भीग गए हो, अब कुछ नहीं हो सकता। सारा पानी वेस्ट तो नहीं किया? मुझे प्यास लगी है। कितनी गर्मी है ना आजकल। इनकी खुशबू अच्छी है ना? हाँ हाँ। Thank you.